राजस्थान में इन दिनों अपराध अपने पूरे चरम पर है और राजस्थान की पुलिस अपराध का नेटवर्क तोड़ने के लिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके जैसे तमाम गैंगस्टरों के गुर्गों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी हाल ही में जिस तरह से राजस्थान के सीकर जिले में कुख्यात गैंगस्टर राजू टेहट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसके बाद उसकी हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला गैंगस्टर रोहित कुदारा जो मौजूदा वक्त में अजरबैजान में छिपा हुआ बताया जा रहा है, उसके गैंग के नेटवर्क को तोड़ने के लिए राजस्थान की पुलिस पूरे शिद्दत से जुटी हुई है और रोहित गोदारा गैंग के कई बदमाश लगातार गिरफ्तार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के बीकानेर से गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गों को पुलिस ने हथियार सप्लाई करने के मामले में गिरफ्तार किया है, लेकिन वो दोनों पुलिस वाले के बेटे निकले। तो आखिर कौन है ये दोनों जो रोहित गोदारा गैंग के हैं और इनके पिता को पुलिस वाला बताया जा रहा है, बताएंगे आपको विस्तार से, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं PDF न्यूज। एक कहावत है कि जब मेड़ ही खेत खाने लगे तो उसकी रखवाली कौन करेगा, कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है इन दोनों बदमाशों को देखने के बाद। दरअसल राजस्थान के बीकानेर के नया शहर पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के गुर्गों को हथियार सप्लाई करने के मामले में गिरफ्तार किया है और ये दोनों गैंगस्टर पुलिस कर्मी के बेटे बताए जा रहे हैं। युवाओं को रोहित गोदारा के गैंग से जुड़ने की आंच अब पुलिस के परिवारों तक पहुंचने से पुलिस अधिकारियों में खलबली मची हुई है। पकड़े गए दोनों युवकों से लगातार पूछताछ की जा रही है। बहरहाल इस ताजे खुलासे और गैंगस्टर की संगत में प्रभावशाली परिवारों या फिर पुलिस कर्मियों के बेटों के संलिप्त होने की खबर से पुलिस महकमा अब हिल चुका है। पुलिस को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो गैंगस्टरों के इस पैतरे को किस तरह से जवाब दे। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने कहा है कि नागौर के उदरासर गांव हाल करणी नगर निवासी अजय सिंह जो कि 24 साल का है, इसके पिता का नाम आनंद सिंह चरण और चूरू के सिद्धमुख हाल सदर थाना के रहने वाले कमल कुमार जो कि 25 साल का है, पिता का नाम विजयपाल महला, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों युवकों पर पुलिस की ओर से हथियारों के साथ पकड़े गए आरोपी गजेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, भवर सिंह और तिलोक चंद को हथियार और कारतूस सप्लाई करने के आरोप है। नया शहर SHO वेदपाल शिवराज ने कहा है कि आरोपी गजेंद्र सिंह रोहित गोदारा गैंग का खास गुर्गा है और उसे अजय और कमल ने हथियार और कारतूस उपलब्ध करवाए थे। अजय के पिता 3rd RAC में हवलदार हैं, वहीं कमल के पिता पुलिस लाइन में पदस्थापित हैं। बेचवाल पुलिस ने मंगलवार को हथियार और कारतूस के साथ पकड़े गए गजेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, भंवर सिंह, तिलोक चंद को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 4 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आपको बता दें कि चारों आरोपियों से 2 पिस्तौल, 50 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन और 1 बोलेरो कार भी जब्त की गई है। लेकिन जिस तरह से राजस्थान के गैंगस्टर अब पुलिस वाले के बेटों को भी अपना शिकार बना रहे हैं, अपनी गैंग में शामिल कर रहे हैं, वो वाकई में राजस्थान पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए PDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।